VSSCT न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में बोध गया बिहार में पूज्य महाराज श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिस दौरान देश विदेश के भक्त अपने पितृ कल्याण हेतु गया की इस पावन धरा पर पितरों के नाम से श्राद्ध व पिंड दान भारत दर्शन की टीम के माध्यम से करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 17 से 25 सितंबर तक गरुड़ पुराण कथा का आयोजन शांति सेवा धाम वृंदावन में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान 19 से 25 सितंबर तक भक्तों को अपने पितरों के नाम से भागवत पोथी व तर्पण कराने का अवसर भी प्राप्त होगा। बोध गया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान यानी 12 सितंबर को पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिवस के अवसर पर पूज्य महाराज श्री ने विशेष संदेश दिया कि इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। पूज्य महाराज श्री के आज्ञानुसार उनका 44वां जन्मदिवस शिष्यों द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं देश विदेश के भक्तों ने पूज्य महाराज श्री को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी एवं उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की। गया में इस शुभ दिन के अवसर पर पूज्य महाराज श्री ने ब्राह्मण देवताओं को भोजन आदि कराकर दक्षिणा वितरण की। वहीं मथुरा में पूज्य महाराज श्री के सुपुत्र श्री देवांश ठाकुर जी ने जरूरतमंद बच्चों को भोजन व खाद्य सामग्री के पैकेट आदि वितरण किया। इसी के साथ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में अन्य विश्व शांति सेवा समितियां कानपुर, मुंबई, बेंगलोर, प्रयागराज, लखनऊ एवं कोलकाता इत्यादि समितियों के द्वारा महाराज श्री के जन्मदिवस पर भंडारा, सुंदरकांड, भजन व कीर्तन के साथ दीप जलाकर पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ भजनों पर झूमते हुए मनाया एवं पूज्य महाराज जी की दीर्घ आयु हेतु कामना की। समितियों के द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ साधु संतों को भोजन प्रसाद कराकर दक्षिणा वितरण की। पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव की कुछ झलक मीडिया द्वारा भी प्रकाशित की गई। पूज्य महाराज श्री के आज्ञानुसार भक्तगणों ने उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। विश्व शांति मिशन की ओर से उन प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद।